तो गाइस देख सकते हैं अभी भी हम धरासू बैंड के अंदर ही खड़े हुए हैं। 2 बजे मैं धरासू बैंड पहुंच गया था हरिद्वार से, करीब 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद। लेकिन इतनी जल्दी आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे धरासू बैंड से जानकी चट्टी जाना था। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होती है, जो 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है। तो मैंने सोचा था कि आज शाम तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और अर्ली मॉर्निंग फिर मैं अपना 6 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। धरासू बैंड से मेरे को जानकी चट्टी की कोई भी बस या गाड़ी नहीं मिल रही है। तो यहीं खड़े खड़े मेरे को 5 बज गए, तो सारा टाइम ख़राब हो गया। अब रात के अंदर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं है जो मेरे को जानकी चट्टी पहुँचा दे। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे रास्ते तक ही पहुँच जाऊँ, और आधे रास्ते में मेरे को बरकोट पड़ेगा। तो धरासू बैंड से बरकोट जाना पड़ेगा मुझे, जो 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और फिर सुबह सुबह 50-60 किलोमीटर और कवर कर लेंगे तो जानकी चट्टी पहुँच जाएंगे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि धरासू बैंड पर रुकने के लिए कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो हमें बरकोट ही जाना पड़ेगा। तो मैं बरकोट के लिए निकल रहा हूँ, और टाइम देख सकते हैं 5 बजने वाले। और गाइस मैं सामने की तरफ आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, देहरादून से भी इस रास्ते पे आया जा सकता है। 99+5 किलोमीटर रह गए यमुनोत्री धाम यहाँ से। धरासू बैंड पे खड़ा हूँ इस वक्त, और बरकोट देख सकते हैं 56 किलोमीटर है, और राडी टॉप देख सकते हैं 38 किलोमीटर। तो इसी रास्ते से हम जाएंगे सीधा बरकोट की तरफ, जो 56 किलोमीटर दूर है। तो अब थोड़ा बहुत रास्ता कवर हो जाएगा, यहाँ से बरकोट में स्टे कर लेंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग हमारा 50-60 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा, आधा रास्ता बरकोट में कवर हो ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टैक्सी में जब तक 10 लोग फुल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी होती है, तब तक टैक्सी वो चलाते नहीं है। ड्राइवर बोलते कि हमारे को बजट नहीं पड़ता इतना, जब तक पूरी नहीं होगी हम जाएंगे नहीं, और या तो हम लोग उनसे प्राइवेट टैक्सी करें और 10 बंदों का किराया हम दें। तो अभी हम 5-6 जने हो गए थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि तुम 10 बंदों का किराया दो, उस हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पर। तो हमारे को धरासू बैंड से जानकी चट्टी जाने के हमारे को 300 रुपये लगने थे, तो ये कह रहे थे कि सब 1000-1000 रुपये दो तभी हम चलेंगे। तो इनकी मनमानी की वजह से ही मेरे को यहाँ पे लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं आज जानकी चट्टी नहीं पहुँच पाया हूँ। तो हम लोग जो 4-5 लोग थे यहाँ पे वो रुक गए, तो 5 बजने वाले थे। तो हमने सोचा कि तू ऐसा कर, हमें बरकोट में उतार दे, हम सुबह देख लेंगे जो भी होगा। तो अब बरकोट तक का किराया हमने दिया 150 रुपये, तो अब हमें बरकोट में उतार देगा 150 रुपये में। तो 150 रुपये में हम धरासू बैंड से बरकोट पहुँच जाएंगे। और यहाँ का रास्ता देखो, देख सकते हैं किस टाइप के रास्ते आपको देखने को मिलेंगे धरासू बैंड के बाद। देखते चल के फिर देख लेते हैं आगे मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरकोट में, देख सकते हैं बरकोट मार्केट है, तो काफी भरा हुआ एरिया है, काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है बरकोट भी। मेरे को लगा हो सकता है कि सन्नाटा ना हो यहाँ पे, लेकिन बरकोट बहुत अच्छी जगह है। देख सकते हैं सामने कितने सारे होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारी शॉप्स हैं पूरे रोड पे। तो खाने पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 9 बजे का टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे चल के पहले मैं रूम देखूँगा, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेते हैं पहले। क्योंकि जब मैं दिल्ली से रात को चला था अपने घर से, तब मैंने कुछ नहीं खाया था इतना ज़्यादा, और सुबह भी कुछ नहीं खाया पूरे सफ़र में, ताकि उल्टी ना हो मेरे को, और अभी भी मैंने कुछ नहीं खा रखा है। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो पहले चल के होटल में कुछ खाते हैं, उसके बाद ही अपना रूम वगैरह सर्च करूँगा मैं चल के, फिर सारा रूम वगैरह आपको दिखाऊँगा कितने का मिला बरकोट में। तो गाइस बरकोट में जहाँ पे मेरे को टैक्सी ने उतारा था, उससे कुछ कदम की दूरी पे ही ये होटल था। तो यहाँ पे खाने के लिए हम आ चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे, अब देखता हूँ क्या ऑर्डर करूँगा मैं। तो मेन्यू चेक कर सकते हो, उसमें प्राइस लिखे हुए हैं सारे, आपको आइडिया हो जाएगा कि बरकोट में फ़ूड वगैरह कितने का है, कितना महंगा पड़ेगा यहाँ पर। और ये देख सकते हैं रावत होटल एंड रेस्टोरेंट, तो इसी में ही हूँ मैं।
और कुछ इस टाइप का रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। सारी सीटिंग वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे टेबल वगैरह लगी हुई है, लकड़ी की कुर्सियाँ और अंदर ही एक चाय की दुकान भी बना रखी है। कुछ इस तरह का काउंटर है। तो मैंने एक सिंपल सी थाली ऑर्डर कर दी है जिसके अंदर मिक्स वेज, दाल मखनी और चावल और थोड़ी सी दो चपाती और एक कर्ड मिल जाएगा और प्याज है यहाँ पे। तो यही मैं खाऊंगा, सिंपल सा खाना, कुछ हैवी नहीं खाना, नहीं तो पेट ख़राब होने की दिक्कत है। तो गाइज़ अब खाना खा के मैं जा रहा हूँ रूम के अंदर। तो मैंने रूम ले लिया जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, उन्हीं का ही पूरा होटल बना हुआ है। ऊपर रूम्स वगैरह और नीचे इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है, तो यहीं पर मेरी बात हो गई इनसे, इनके पास रूम का अवेलेबल है और बिल्कुल बढ़िया रूम ये दिखाने वाले हैं, तो चल के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इनका होटल कितना ज़्यादा बड़ा है और ये कुछ मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ पे। ये आपको लग रहा होगा बेसमेंट है पर बेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है ना, तो पीछे पहाड़ की तरफ उतर रहे हैं हम। मेन रोड पे आगे की तरफ था और ये बैक साइड में पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं जहाँ पे से सीढ़ी है। तो यहीं पे रूम है, देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा होटल है, आपको चारों तरफ दिख रही होगी लाइटिंग वगैरह पहाड़ पे। तो देख सकते हैं मैं पहाड़ की तरफ आ चुका हूँ। तो रात को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है बरकोट में भी। अगर मैं यमुनोत्री पहुँच जाता जानकी चट्टी तो वहाँ तो हालत ही ख़राब हो जाती। बाकी शुगर है, चलो बरकोट में ही रुक गए, यहीं पे इतनी ठंड है तो वहाँ कितनी होगी, वहाँ तो बर्फ़ वगैरह मिलेगी, तो पास में बर्फ़ के तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती, तो बरकोट में रुक गए ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो 3-4 मंजिल ये होटल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी पुराना भी है। चलो हमें तो रूम मिल गया, बाकी ये रूम कितने का मिला है और कैसा रूम है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी अगले व्लॉग में बताऊँगा कि मेरे को यहाँ पे कितने रुपये का रूम मिला है। बाकी खाना पीना तो मैंने दिखा दिया, इस होटल का बहुत बढ़िया था, जो मैंने थाली ली सिंपल सोवर मज़ा आ गया। तो देख सकते हैं अंदर दो बेड लगे हुए हैं, भैया दिखा रहे हैं मेरे को रूम, और मैंने अपना बैग रख दिया यहाँ पे, ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है और छोटा सा रूम है, सिंपल सा रूम मेरे को मिल गया बढ़िया वाला। तो चलो बाकी मिलता हूँ मैं सुबह आपको, कैसी नींद आई और कैसा सफ़र रहा सब कुछ कल ही बताऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग और वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं एक से एक पिक्स और रील्स बना के डालता रहता हूँ, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको उनमें भी। जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो और कमेंट करके आप मुझे वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। तो जल्दी मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।